सबुठू हेल्दी सबुठू टेस्टी मांडिया रे ही इडली रेसिपी निहाती भाव में आशा करछि समस्तंकु बहुत ही पसंद आसीबो। आ पसंद आसले वीडियो को लाइक करबा सहित शेयर करने बा प्लीज सब्सक्राइब करी ऊपर थिबा बेल आइकन को दबाइ नेबे। जय जगन्नाथ। आपण समस्तंकु टेस्टी टूर को अनेक अनेक स्वागत जणै आरंभ करछि आज रे ही मांडिया इडली बा रागी इडली रेसिपी। सेतिपई आमको आवश्यक प्रथमे मांडिया बा रागी तेडी देखंतु मांडिया मोडी 200 ग्राम रो नेची बा गोटे गिना बा गोटे बाउल नेची थी मांडिया तो एबे ताको गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल को ढाळी नबा। तो एबे देखंतु मु रागी तो एठी बा मांडिया एठी दे सारची एबे नै जिबा जति कि आमे मांडिया नेतले तार आधा क्वांटिटी रो सुजी तेडी देखंतु मोडी आधा गिना सुजी नेची बा छोटो गिना रे गोटे गिना सुजी नेची तो ये 100 ग्राम रो मोर सुजी अच्छी तो एबे आको दे सरला परे एबे दे देबा स्वाद अनुसार लुणो एटी हाफ चमच रो मु लुणो देछि एटी आपनको टेस्ट अनुजाई लुणो ऐड करिबे। एबे लुणो दे सरला परे आमे ई मिक्सचर को भला भरे गोळै नबा एमती आको गोळै कि मध्ये गोटे टाइट कंटेनर रे रखि परिबे आ जेते बेले रागी रो इडली बनिया को चाहन छथि फटाफट मध्ये बनै परिबे। तो एबे चलंतु आको आमे गोळै सरला परे एबे दे देबा आमे एथि दही तो दही एठी आमे गोटे गिना देबा 100 ग्राम रे एठी मु दही नेछि तो एठी दही को अधिक खटा ने तो नॉर्मल दही आम नवा तो ये दही को दे सर आम ए कि पा एड करवा जमीक से ही गिनारे मुझी पा देक दही देखिए पा दे तो पा दे भल भाव में गोल जदि आम कनसीस्टेन्सी अधिक गाढ़ा रही तेज आम आउ कि पा एड कर तो चलते आपको प्रथम आम भल भाव में गोल नवा जमीक आमर एटी मांडिया बा सुजी एटी दुईटा जाक जमी भल भाव में गोल हो तो ये देखो सुजी जेहतु ये अधिक पा सक करता है से आमको आउ कि पा देवाको पड़िबो तेणु अल्प किसी पा दे कि बैटर को आमे गोल कि आपको भल भाव फेंटी नबा भलसे आम जमीक आपको गोटे दुई मिनिट पखापाखि फेंटी नबा जमीक कौन सी गुठली रही तो देखते यहपर भाव में गोटे हुईस्कर भल भाव में गोल आपको चलते आम रेस्ट छाड़ नबा एवं आम पा एड करानी पर आड करवा तेणु आपको रेस्ट प्रथम छाड़ नबा एटी आमर मांडिया रेस्ट हवा भितर एवं गोटे तड़का बनई नबा तड़का देखते मुझे गोटे तड़का पैन नहीं दुई चमच पखापाखि रिफाइन तेल देखी जेकोसी सोरस तेल यूज करेंगे ये मुझे तेल दे सारापर तेल को भल भाव में गरम हाँपाई छाड़ नबा तो देखो ये तेल आम भल भाव में गरम हो आसदेव आमर ये तड़का कि देखूँ ये मुझे गोटे बड़ चमचर बुट डाली नहीं हाफ चमचर सोरस ये चाहिए जब सोरस यूज कराया चाहूना तो जगह जीरा एड करें आउ गोटे शुखला लंका देखिए सबुतक ये आम यही तेल रेदेबा देखिए आपको बिलकुल ये फुटवा जाए आम आपको छाड़ ना देखो भल भाव सोरस आम डाली भल भाव ये फुटी आसब आमर फ्राई होसले एपे दबा आम गोटे गाजर को ग्रेटर कर नहीं थी आउ कि भृसंगा पत्र जहाँकि मुझे छोट छोट कर सब आम यही तड़कार पकई ना पकईकि भल भाव आम आपको एपट सेपट करके भाजी ना जेहेतु आमर गाजर अच्छे तो आपको टी समय फ्राए कर ना तो जमीक आमर ये कंचा स्मेल पलब गाजर से आम गोटे दुई मिनिट आपको ओलट पालट करके फ्राए कर ना एमती तड़का लगे कि आमर इडली प्रस्तुत करूँ देखिए मांडिया इडली बहुत ही स्वाद बढ़ी जा बहुत ही टेस्ट लगे तो चलते आपको आम प्रथम गोटे दुई मिनिट पखापाखि भाजी नवा एबेदा आम ए हाफ चमचर हलदी पाउडर आउदा आम हाफ चमचर रेड चिली पाउडर जोटि मांडिया कलरटा भल आसी न था तेणु यू दे सारापर आम जी हलदी दे दौरान मांडिया कलर बहुत ही बढ़िया आस तो चलतु आपको आम दे सारापर भल भाव भाजी ना जमीक आम गाजर आमर ये हाल्का टी सीझी आसब तो यहीपरी होगले आमर ये गैस फ्लेम को बंद कर ना और तड़का आमर बिल्कुल रेडी ही जाए एवं चलतु आमर रेस्ट छाड़ी मांडिया तड़का को देदे तड़का को दे सारापर आपको आम भल भाव मांडिया सहित मिसई ना एमती आम आपको मिसई ना आप देखते मांडिया आमर बहुत ही गाढ़ा हो जाए तो आम जेहेतु आपको सुजी भी ऐड करूँ तेणु अधिक ये गाढ़ा हो जाए ये अल्प किसी पा दे कि आपको भल भाव में मिसई ना जमीक आमर इडली कनसीस्टेन्सी रहा ठीक सेमती आम ये बेटर गोटे बनई ना एवं देखो मुझे किसी अल्प ये अधा कप पखापाखि पा देखिए देखिए आपको भल भाव में दुई तीन मिनिट पखापाखि मिसई ना जमीक बढ़िया भाव में बेटरटा प्रस्तुत हो एबे देखंतु बैटर एटी केते बढ़िया गाढ़ा हो जाए एमती होगला हाफ चमचर बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा देखिए आपको भल भाव में मिसई ना
जदि इंस्टेंट इडली बनवाक चाहूँ बेकिंग सोडा कि इनो हाफ चमच देखिए बन पारे ना बेकिंग सोडा कि इनो देवा चाहूना आपको रेस्ट किस समय छाड़ी बन पारे एवं देखते कनसीस्टेन्सी आम बिलकुल बढ़िया भाव में देखी एमती बिलकुल कनसीस्टेन्सी रखा बेटर को रेडीगला गोटे मुझे इडली फ्रेम नहीं तेल लगे नहीं चारिपट सब फ्रेम रे में तेल लगे ना लगे नहीं सारापर ये देखो कि आम काजू नहीं काजू को सजे पारा ये ऑप्शनल अच्छे जदि काजू चाहूना स्किप करें सेमती फ्रेम रे इडली बन पारे तो ये आम इडली बैटर को ये अल्प अल्प करके सबुति आम लगे ना बहुत ही टेस्टी रागी इडली आ बहुत ही हेल्दी निहाती थरे ट्राए करूँ देखिए सकाल जलखिया बहुत ही टेस्टी रहा खायाको आउ हेल्दी रो तो बहुत ही कम तेल कम सामान रे बढ़िया भाव में आम हेल्दी जलखिया प्रस्तुति करें तो चलतु आपको एमती रेडी कर सारापर आम ये इडली फ्रेम ना फ्रेम रे देखूँ मुझे किसी पा दे पाँच आम बढ़िया भाव गरम हो गला पा गरम होगापर फ्रेम को लगे ना आपको ढांकी देवा ढांकी 10 रु 15 मिनिट पाखापाखी स्टीम हाँपी छाड़ ना 10 रु 15 मिनिट पर देखा देखूँ आमर इडली आमर मांडिया इडली के बढ़िया भाव में रेडी तो चलतु आपको किसी समय थंडा हाँपी छाड़ ना थंडा हालापर मुझे बाहर करके देखा आमर मांडिया इडली के फ्लफी बनी आते जालीदार बनी तो चलतु आम रेसीपी को निश्चित शेष जाए फॉलो करूँ तो ये देखूँ मुझे देखा मांडिया इडली आमर के बढ़िया जाली हो बनी बहुत ही सॉफ्ट बनी निश्चित आपण मैंने घर थे ट्राए करके देखूँ बहुत ही सहज भाव में यह बनिक रेडी हम तो चलतु आपको सब बाहर कर सारापर आपको आम प्लेट को बाहर कर ना सजे ना तो देखूँ आमर इडली आमर रागी बा मांडिया इडली मात्र 15 मिनिट्रे रेडी आपको निश्चित जलखिया खातु किंवा टिफिन रे मध्य दिंतु बहुत ही बढ़िया रहबो बहुत ही टेस्टी सहित बहुत ही हेल्दी घरे निश्चित ट्राए करूँ आ रेसीपी किपर लगला कमेंट कर निश्चय जनातु आशा कर मांडिया बा रागी इडली आपण समस्त बहुत ही पसंद आसतिबो पसंद आसले वीडियो को लाइक करने सहित शेयर करूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई दिंतु से पर्यंत रहुची बाय बाय।